तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधु, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल विलायक गेमिंग पे। तो गाइस यार, फाइनली मैं एक और नया पार्ट लेके आ चुका हूँ लोकी क्राउड 5 की सर्वाइवल सीरीज का। तो यार, जैसा कि यार तुम लोग मुझसे बड़े ही टाइम से पूछ रहे थे कि भाई इसका नया पार्ट कब आएगा, तो भाई आज इसका नया पार्ट आ चुका है। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मजे इस वाली वीडियो के अंदर में। तो यार, आज सबसे पहले तो मैं जाने वाला हूँ नेदर के अंदर में। और साथ साथ में देखो, तुम्हें याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने जो है एक विलेजर को कैद करा था जो कि जॉम्बी विलेजर था, तो भाई आज हम लोग उसको क्योर भी करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर में, तो इसलिए भैया वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यार चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ ना भाई, वो है कि यार तुम में से कई सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लाइक गोल पूरा का पूरा रख रहे हैं भाई 140 लाइक्स का, देखते हैं कंप्लीट हो भी पाता है या फिर नहीं। तो लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले ना हम लोग अपना पोर्टल बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखो, पोर्टल नहीं बनाएंगे तो नेदर में कैसे जाएंगे? तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मेरा ऑब्सीडियन कहाँ पे रखा है, मेरे पास आ चुका है। और भाई यहाँ पे ना मैंने साथ में अपनी गोल्ड की एक लेगिंग्स भी ले लिया है। तो क्या देखो, तुम लोग जानते हो कि नेदर में भाई वो पागल से सुअर होते हैं जो कि हमारे पीछे पड़ जाते हैं, भाई मैं उनसे ऐसे भिड़ना नहीं चाहता। तो इस वजह से यार यहाँ मैंने भाई अपने लिए गोल्ड का भी सामान लिया है और साथ में भाई जितना भी सामान है ट्रेडिंग वगैरह का वो भी सारा यहाँ मैं लेने वाला हूँ। तो फटाफट से सारी चीज़ें अब से कलेक्ट होती है, तो भाई हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं अपना एक पोर्टल। तो गाइस चलो फटाफट से अपना पोर्टल बनाते हैं, क्योंकि यार देखो अब मेरे को बहुत जल्दी हो रही है नेदर में जाने की। अपने पास यार पूरा आर्मर तक आ चुका है, पर हम लोग यार अभी तक नेदर में गए नहीं थे एक्सप्लोर करने। तो फटाफट से यहाँ जो ये पूरा पोर्टल बनाते हैं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस चलो फटाफट से चलते हो भाई, देखते हैं हमें कहाँ पे अपना स्पॉन मिलने वाला है। या काश मेरे को क्रिम्सन बायोम के पास मिल जाए, क्योंकि मेरे को क्रिम्सन बायोम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं भाई कहाँ मिलता है हमको अपना स्पॉन यहाँ पे। अब तो मज़ा आने वाला भाई, ये कहाँ स्पॉन कर दिया भाई इन्होंने? भाई मैं कह रहा था कि मेरे को क्रिम्सन बायोम में जाना है, भाई कहाँ पे स्पॉन कर दिया। और यहाँ पे मेरे को घास की आवाज़ें आ रही हैं, शायद तुम्हें नहीं आ रही होंगी पर मुझे आ रही हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब पोर्टल में ही। और भाई यार देखो, भाई मेरे को लगा था क्रिम्सन बायोम में भाई अपना स्पॉन मिल जाए, पर यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल ही गलत जगह स्पॉन कर दिया। पर कोई बात नहीं, इसको फटाफट से मैं तोड़ता हूँ और दूसरी जगह पर हम लोग इसे बना के एक बार टेस्ट करते हैं। तो गाइस यार दूसरा पोर्टल बन गया पूरी तरह से रेडी, और भाई यहाँ पता नहीं मेरे को कहाँ पे स्पॉन देने वाले हैं ये लोग। और भाई इस बार तो कम से कम ये सही जगह पे स्पॉन देने को, क्या इस बार मेरे को लगता है कि क्रिम्सन बायोम हमें मिलने वाली है। और यहाँ पे कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा भाई, क्रिम्सन बायोम पे कैसे जाऊँगा मैं? तो रुको भाई, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहीं आराम से चलते हैं। और भाई ये तो पोर्टल ही है भाई, क्या बताओ भाई साहब, ये क्या चाह रहे हैं यार लोकी क्राउड 5 वाले? यार ये भाई कहाँ पे स्पॉन दे दे रहे हैं भाई, यहाँ पे स्पॉन नहीं चाहिए। तो चलो यार कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलो एक बार नहीं दो बार नहीं तीसरी बार बना कर देखते हैं, इस बार सही जगह स्पॉन मिल ही जाएगा भाई। लोग तीसरा पोर्टल बनाने के बाद लेटर। तो गाइस तीसरा पोर्टल में मैं आ चुका हूँ भाई, ये बहुत ही ज़्यादा दूर मैंने बनाया है। और भाई इस बार सही जगह नहीं मिला ना भाई, मैं लोकी क्राउड 5 को भाई बिल्कुल ही बता रहा हूँ, गोली वोली मार दूंगा। और भाई यहाँ भाई भाई साहब फिर से इन्होंने गलत जगह पे स्पॉन दे दिया। अब भाई बताओ मैं करूँ क्या भाई, मैं इन्हें समझ नहीं आती क्या भाई मुझे कहाँ पे जाना है भाई, अलग ही बात हो रही है यहाँ तो। पर यार देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने मेरे को छोटी सी क्रिम्सन बायोम तो दिखी है, पर यहाँ से पहले मैं अंदर चलता हूँ और यहाँ मैं एक बार चेक वगैरह करता हूँ कि कहीं रिस्क वगैरह तो नहीं है। और भाई मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ रिस्क है, वैसे तो है, तो भाई जब भी कोई बात नहीं फटाफट से लोग आगे चल ही लेते हैं यार अब। लगभग 10 मिनट के बाद लेटर। तो भाई साहब 10 मिनट के बाद जब मैंने अपनी इतनी सारी पिकैक्स सर्च करी, तो भाई देखो यहाँ मेरे को इन पिगलिन दादा के दर्शन हो गए। और भाई देखो भाई ये मेरे पीछे पड़ गया, भाई इसे कैसे समझाऊं कि भाई मैं इससे बड़ा डॉन हूँ, इसने देखा नहीं है शायद, मुझे जानता नहीं है। और यहाँ मेरी सोने की चड्डी मेरे को दिखनी थी तो दिख गई, तो फटाफट सोने की चड्डी मैंने पहन लिया है। और भाई अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, और अगर भाई ये तो अभी मेरे तरफ देख के मारने को आ रहे हैं, तो भाई इसे मार ही देता हूँ भाई इसकी ऐसी की तैसी। और भाई इन सबको बताता हूँ कि भाई मैं यूँ, ये मुझसे जीत नहीं सकते।
तो गाइस सर कितनी भी इंटेंस फाइट हो भाई मैं यहीं रहने वाला हूँ, और भाई थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं। और भाई अब मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ यहाँ पे फोर्ट्रेस की खोज में, क्योंकि मेरे को फोर्ट्रेस चाहिए, क्योंकि बिना फोर्ट्रेस के मैं यहाँ पे जो है ब्लेज रॉड वगैरह कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो भाई मैं अपने भाई अब ज़ॉम्बी विलेजर यानी कि पप्पू को कैसे ठीक करूँगा यार, क्योंकि वो उसका नाम पप्पू है तुम्हें पता होगा। तो और भाई चलो फटाफट चलते हैं, मैं जब तक भाई जा रहा हूँ तो तुम एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो भाई चलो फटाफट से भाई तुम्हें फोर्ट्रेस पे ही हेलो करते हैं। क्या तुमने सब्सक्राइब किया लेटर? अबे साले गाइजर फाइनली मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है भाई अपनी फोर्ट्रेस, और लिटरली बता रहा हूँ मेरे को यहाँ पे लग गया बहुत ही ज़्यादा टाइम इस वाली फोर्ट्रेस को ढूंढने में। और ये जो भाई मशरूम दिख रहे हैं ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत उठा ली, क्योंकि भाई इनकी जरूरत पड़ती है हमें वीकनेस का पोशन बनाने में। और यहाँ पे भाई देखो ब्लेज चाचा हमारे पीछे पड़े हैं, पर भाई इन्हें मैं एक शॉट में डाउन करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो देखते जाओ बस अपने हाथ में वो ले लिए। अब देखो भाई तुम लोग, और भाई देखो डाउन हो चुका है भाई, कह रहा हूँ ना कि भाई मैं प्रो हूँ मुझसे पंगे वगैरह मत लिया करो। अभी तू है कौन नूब? गाइस यहाँ मैं घूमते घूमते नीचे आया भाई, यहाँ मेरे को देखो ये देखने को मिल गए, तो फटाफट से भाई मैंने यहाँ पे इन्हें उठा लिया जो कि नेदर क्वार्ट्स होते हैं शायद से, भाई नेदर क्वार्ट्स नहीं होते, इनका नाम क्या होता है एक बता रहे मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और गाइस मैं ये जो है सारे के सारे कलेक्ट करने वाला हूँ, और भाई साथ साथ में ना मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह भी करती हूँ, देखो यहाँ से मैंने गोल्ड वगैरह भी उठाया है, पर वो तो चलो मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा। और यहाँ पर नहीं यार मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाला, मैं सिंपली अब यहाँ से थोड़ी बहुत फाइटिंग वगैरह करते हुए इन सारे ज़ॉम्बीज से डायरेक्ट जो है भाई ब्लेज वगैरह कलेक्ट करने वाला हूँ, तो भाई लग जाते हैं चलो इस वाले काम में ही। तो गाइस सर यहाँ मैंने लिटरली बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करा है, और भाई तुम लोगों को तो ये बहुत ही छोटा सा दिखा होगा शॉट, पर यार यहाँ मैंने भाई कई सारे एक तो मॉब्स को मारा है, और साथ साथ में भाई यहाँ मैंने खूब सारे स्टफ भी कलेक्ट करें जो कि हमारे नेदर के होते हैं। और भाई इसमें लिटरली बता रहा हूँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, पर यार मेरे को यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे नेदर में, क्योंकि यार यहाँ मैंने खूब सारी फाइटिंग वगैरह करी और बहुत सारा थ्रिल सस्पेंस वगैरह भी देखने को मुझे मिला। और भाई यार मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम लोग नेदर में आ रहे हो ना, तो भाई तुम लोग यहाँ पे ना अपने संग ज़रूर से लेके आया करो गोल्ड एक्स्ट्रा, क्योंकि तो यहाँ तुम्हारा गोल्ड का आर्मर इतनी जल्दी टूटेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। और भाई इसलिए भाई यहाँ मैं दो बार मरते मरते भी बचा, पर हाँ मैं बच गया क्योंकि मेरे पास गोल्ड एक्स्ट्रा पड़े थे। और गाइस सर अब मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ से अब चलना चाहिए, तो भाई चलो फटाफट से यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर पे, और तुम्हें मिलता हूँ डायरेक्ट मैं उसी वाले पोर्टल पे, घर वाले पोर्टल पे पहुँचने के बाद लेटर। गाइस फाइनली मैं अपने घर वाले पोर्टल पे आ चुका हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने में, तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं भाई, आराम आराम से चलना पड़ेगा अदरवाइज तो यहाँ मेरे को मैं गिर जाऊँगा, पर कोई बात नहीं मैं यहाँ पे यहाँ तक भी चल के आया हूँ, तो भाई यहाँ पे हम लोग दौड़ के भी चल सकते हैं, बस थोड़ा बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा। और भाई यहाँ मैं आ चुका हूँ फाइनली, और यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है क्योंकि यार रास्ते में मेरे को कई सारे मॉब्स मिले जिन्हें मैंने मारा, और भाई लिटरली बता रहा हूँ तुम्हारा भाई एक भी बार अब डैमेज नहीं मिला। और भाई इन्होंने मुझे यहाँ पे कैसे निकाल दिया, तो क्या देखो जो मैंने अपना पोर्टल बनाया था वो मैंने दूर बनाया था, पर भाई इन्होंने मेरे को घर के पास में निकाल दिया। और भाई ये वाला बेड किस किस को याद है एक बार ज़रा कमेंट्स में ज़रूर से बताना, भाई ये वाला बेड मैंने जब लगाया था जब मैंने अपना घर बनाया था, जिसको भी याद है एक बार ज़रा नीचे लिखो #OP ठीक है कमेंट्स में लिख देना, मैं तुम सबके कमेंट्स को पिक जरूर से करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो भाई फटाफट से नीचे चलते हैं, भाई तुमने शायद लाइक नहीं करा तो भाई लाइक वगैरह कर दो यार, तुमसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और भाई यार यहाँ पे भाई अपना जो विलेजर है उसको भी फटाफट से हम लोग ठीक कर लेते हैं ज़ॉम्बी विलेजर को, बस पहले यहाँ मेरे को अपना जितना भी सामान है वो सारा का सारा यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो फटाफट से इसको रखते हैं और भाई अपने पप्पू को रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे शाम भी हो चुके हैं, तो भाई यहाँ मैं निकल चुका हूँ अब भाई सड़ी हुई मकड़ी की खोज में, क्योंकि यार मेरे को ना सड़ी हुई मकड़ी की आँख चाहिए, क्योंकि यार उसके बिना हम लोग नहीं बना सकते अपना स्प्लैश पोर्शन, और भाई बिना स्प्लैश पोर्शन के भाई मैं कैसे ठीक करूँगा अपने ज़ॉम्बी विलेजर को। तो भाई यहाँ पे एक बार चेक करते हैं हमें मकड़ी यहाँ पे कब तक मिलने वाली है, और मैं यहाँ लिटरली बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ भाई मकड़ी का वेट करते हुए। गाइस यार फाइनली मेरे को यहाँ पे सड़ी हुई मकड़ी मिल चुकी है, तो फटाफट से इसको हम लोग मारते हैं और देखते हैं क्या यहाँ देने वाली है यहाँ पे अपनी आई, तो भाई इसने आई दे दिया है, क्योंकि मेरे पास लूटिंग थी तो भाई इसे आई नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये नहीं देती तो मैं इसे और मारता। तो भाई यहाँ पे फटाफट से आगे चलते हैं, और भाई यहाँ देखो मैं जब मार के दिखाता हूँ तुम लोगों को 1 2 3 अरे भाई 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 स्कैम हो गया यार, चलो कोई बात नहीं तुम लोग मजाक मत उड़ाया करो यार मेरा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार तुम सबके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और भाई देखो
थोड़ा बहुत बीच में मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने ना वीडियो वगैरह बीच में कम कर दी थी, पर भाई देखो अब भाई वीडियोस आएंगी और अच्छी खासी आएंगी, तो उसके लिए भी तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहो और भाई अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाया करो, इसलिए कह रहा हूँ लाइक अभी कर दो। तो भाई चलो ये सारी बातें तो मैं करता रहता हूँ, और एक बार बताना भूल जाता हूँ मैं तुम्हें हमेशा वीडियो के बीच में कि यार देखो मैंने अपने चैनल पर ना अब मेंबरशिप ऑन कर रखी है। अगर तुम लोग मतलब हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम लोग हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल यार 29 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, और भाई जितना तुम्हारा मन करे तुम लोग उतने हिसाब से इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। तो यार देखो अब यहाँ पे फटाफट से ना भाई मैं अपना जो है फटाफट से बनाता हूँ, एक तो शुगर की आई मतलब शुगर बनाते हैं, और फिर यहाँ पे फर्मेंटेड आई मेरी बन चुकी है। और भाई देखो ड्रिंक स्टैंड हमने उठा लिया नीचे से, क्योंकि नीचे दो थे, और यहाँ पे फटाफट से भाई जो मेरी ग्लास बॉटल है मैं ऐसे रख नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं क्यों। तो भाई रुको थोड़ा बहुत ना मैं गूगल वगैरह करके आता हूँ और फिर पता लगाते हैं इसे बनाना कैसे है। गूगल करने के बाद लेटर तो गाइस यार यहाँ मेरे को पता चला कि भाई हमें यहाँ पे जो है वाटर बॉटल डालनी होती है, तो भाई मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल डाली और भाई अब ये काम अच्छे से हो रहा है। तो भाई देखते हैं फटाफट से इसे बनाते हैं, और भाई तुम्हारे लिए मैं इसका एक फास्ट फॉरवर्ड बनाता हूँ ताकि तुम्हें भी समझ आता है कि इसे बनाते कैसे हैं। तो गाइस यार फाइनली देखो मेरे यहाँ पे स्प्लैश पोर्शन रेडी हो चुके हैं, तो भाई अब हम इनको यूज़ करने वाले हैं अपने उस वाले जॉम्बी विलेजर यानी कि पप्पू पे। तो भाई फटाफट से पप्पू के पास चलते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पप्पू से भाई फाइट करने के लिए, मतलब कि उस पर स्प्लैश पोर्शन फेंकने के लिए। पप्पू अब तुझे भाई ये वाले स्प्लैश पोर्शन खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई देख अब मैं इसके ऊपर मारने वाला हूँ स्प्लैश पोर्शन, सोच रहा हूँ उसके ऊपर की वो डालता हूँ कि भाई मेरे को आराम से थोड़ी बहुत जगह वगैरह मिल जाए, पर ये जल के ना मर जाए इसका रिस्क रहेगा। तो फटाफट से इस पर ऐसे ही मार देता हूँ यार, तो एक मारा और दूसरा भी सोच रहा हूँ कि मार दो इसके ऊपर, क्योंकि यार आधा मेरे ऊपर लग चुका है इसलिए। तो भाई देखो मैंने इसके ऊपर दो दो मार दिया, उसे गोल्डन एप्पल भी खिला दिया है। तो भाई अब भाई इसके ऊपर हमें वेट करना पड़ेगा कि कब तक हमारा जो है नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट होता है। तो भाई देखते हैं कब तक ये हमारा कन्वर्ट होकर रेडी हो जाता है। गाइस यार हमारा पप्पू यहाँ पे ठीक हो चुका है, तो भाई फटाफट से इसकी ट्रेड वगैरह एक बार चेकआउट करते हैं, और भाई देखो कितने सस्ते में यहाँ हमसे ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ पहले तो इसको मैं यहाँ से नीचे गिरा देता हूँ ताकि अपने वापस अपने दोस्तों से मिल सके। और क्या मेरे को नहीं पता है भाई मेरे नीचे यहाँ पे जितने मतलब विलेजर है सिंपल वाले वो सारे कम हो जाते हैं, तो भाई इसलिए मैंने इसको नेम टैग दे रखा है, तो ये तो डिस्पॉन नहीं होगा। तो फटाफट से मैं इसको नीचे भेज देता हूँ, और भाई यार अब इसके बाद ना हम लोग इससे भी ट्रेड करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, पर जो हमारा आज का टास्क था वो तो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो ही गया भाई। गाइस यार बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई नीचे तुम्हें ना इंस्टाग्राम सेकंड चैनल और भाई जो हमारी मेंबरशिप है वो भी तुम्हें दिख रही होगी, तो भाई अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो। और इंस्टाग्राम तो फ्री है, तो तुम लोग वहाँ पे जाके तो मुझे भाई फॉलो कर ही लो, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी नहीं छोड़ते। और बाकी मिलता हूँ मैं तुम सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।